सुसाइड भी कर लिया था, राइट? स्ट्रेस कोई बता सकता है यस मैम। किसको स्ट्रेस कहेंगे हम, क्या होता है स्ट्रेस? हिंदी में कहें तो तनाव कहते हैं ना। आज जो हम बात करेंगे वो बेसिकली जो मेरा टॉपिक है जिस पे मैं आप लोगों से बात करना चाह रही थी वो है लड़कियों या महिलाओं में तनाव, उनके कारण और उनका निवारण। सादी भाषा में कहें तो स्ट्रेस इन वेमेन, ठीक है, इट्स कॉजेज एंड इट्स रेमेडीज। इस पे आज हम चर्चा करेंगे, इस पे एक छोटी सी टॉक है मेरी, उसको अब ध्यान से सुने और अगर आप चाहें तो आप अपने भी व्यूज को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है? देखिए तनाव क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, क्या आप क्या समझते हैं, पहले मैं तुम लोगों का जानना चाहती हूँ। व्हाट डू यू फील, व्हाट इज स्ट्रेस? ओके, अगर आप मेरी बात करें तो मैं कह सकती हूँ कि तनाव मन की स्थिति से उपजा एक विकार है, ठीक है? हमारी जो मेंटल कंडीशन है या जो हमारी परिस्थिति है उनके बीच में अगर संतुलन या बैलेंस नहीं रह पाता है तो इस असामंजस्य के स्थिति में तनाव उत्पन्न होता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो स्ट्रेस है वो एक प्रकार का द्वंद है जहाँ पे हमारी हमारा जो माइंड है और हमारे जो इमोशंस हैं, हमारी भावनाएं हैं, मन है, उसमें एक गहरी दरार आती है, ठीक है? इस तरह से क्या होता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि तनाव जो है अनेक मनोविकारों का प्रवेश द्वार है। अगर हम बहुत तरह की अशांति हमारी भावनाओं को अस्थिर करता है, शरीर को अस्वस्थ कर देता है, हमें ऐसा अनुभव होता है कि हमारी जो है कोई भी चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, किसी भी चीज़ पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है और उसका सीधा असर हमारी कार्य क्षमता पे पड़ता है, ठीक है? हमारी शारीरिक व मानसिक विकास यात्रा में बहुत तरह का व्यवधान उत्पन्न करता है। इन सब चीजों का जो कारण होता है वो स्ट्रेस होता है, तनाव। अब आज जैसे मैंने आपको बताया, अभी मैं बात कर रही थी, ये जो स्ट्रेस है आज सोसाइटी में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्या कारण हो सकता है इसका? एक तो तुम लोगों का सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया की वजह से तनाव जो है बहुत ज्यादा सोसाइटी में बढ़ रहा है। इससे क्या हो रहा है, लोगों की मेंटल हेल्थ जिस पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है और कितने सारे युवा लोग, फेमस लोग, बहुत तरह से अपनी जीवन में सफल लोग एक तरह से हम कह सकते हैं, वो सब के सब जो है उसका शिकार हो रहे हैं और कहीं कहीं तो लोग आत्महत्या भी कर रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल अभी आपको दे रही थी सुशांत सिंह राजपूत का, और इस कोविड एरा में अभी चूंकि कोरोना पीरियड चल रहा है, लोगों को घर में रहना है, आपकी नॉर्मल जो रूटीन लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है, इन सब कारणों की वजह से तनाव जो है बहुत बुरी तरह सबके में बढ़ रहा है। आप खुद अपने में महसूस कर रहे होंगे, कॉलेज नहीं जा रहे हो, अपने फ्रेंड्स से आप मिल नहीं पा रहे हो, है ना? नॉर्मल जो आपकी एक जिंदगी थी, बाजार जाते थे, फिल्म देखने जाते थे, खेलने जाते थे, बाहर घूमने जाते थे, वो सारी चीजें अभी बंद हो गई हैं। तो इन सब चीजों की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस बढ़ रहा है, ठीक है? और आज की हम लोग की लाइफस्टाइल ही ऐसी हो चुकी थी कि घर में इतनी देर तक कैद रखना अपने आप को, ये बहुत बड़ी। अब ये जो तनाव होता है, स्ट्रेस जो होता है, अलग अलग लोगों में होता है, इसका अलग अलग सबके में इफेक्ट पड़ता है। ऐसा नहीं कि सब में ये एक तरह का होता है कि इसको भी तनाव है, उसको भी तनाव है, उसका रिएक्शन अलग होगा, इसका रिएक्शन अलग होगा, क्योंकि सबकी बॉडी की क्षमता अलग अलग होती है, सबको स्ट्रेस को डील करने का तरीका ऐसा अलग अलग होता है। और स्ट्रेस ऐसा कोई नहीं होगा जिसने अपने जीवन के किसी मोड़ पे स्ट्रेस अनुभव ना किया हो। अभी कहते हैं ना कि बचपन सबसे सुखी होता है, तो छोटे बच्चे जो होते हैं वो स्ट्रेस का अनुभव सबसे कम करते हैं। जैसे जैसे आप बड़े होते हो, जैसे जैसे आप जिंदगी की दौड़ में आगे बढ़ने की होड़ में शामिल होना शुरू करते हो, वैसे वैसे आपके मन में तनाव जो है वो बढ़ते चले जाता है, ठीक है? तो एक छोटा सा प्रेजेंटेशन मैंने बनाया था, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेस इन वुमेन, इट्स कॉजेज एंड इट्स रेमेडीज। जैसे मैंने अभी आपको बताया, स्ट्रेस अगर हमारी अगल बगल किसी तरह का कोई चेंज हो रहा है या हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई चैलेंज, कोई समस्या हमारे सामने आ गई, तो इन सारी चीजों को डील करने के लिए जो हम रिएक्शन देते हैं उसी को हम स्ट्रेस कह सकते हैं। अब ये स्ट्रेस किसी भी तरीके के हो सकता है,
और ये आपकी एज पे डिपेंड करता है, आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, आप कहाँ रह रहे हो, किस तरह से रह रहे हो, तो सबका स्ट्रेस झेलने का और स्ट्रेस को फेस करने का तरीका भी अलग अलग होता है। जैसे कोई भी आपकी ज़िंदगी में समस्या आ रही है, आप लोग स्टूडेंट्स हो, सारे स्टूडेंट्स हो, तो ऑब्वियसली स्टडीज़ का बहुत प्रेशर रहता होगा, लाइफ में क्या बनना है, हम लोग सेकेंड ईयर में आ गए, थर्ड ईयर में आ गए, एक साल में दो साल में ग्रेजुएट हो जाएंगे, आगे हमको क्या करना है, ये भी एक तरह से आपको मेंटल स्ट्रेस देता है। अब इस से हो, शादी हो जाएगी, शादी के बाद आपकी मैरिड लाइफ अच्छी चल रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अच्छी चल रही है, अलग स्ट्रेस, डिवोर्स हो गया, अलग स्ट्रेस, ठीक है। और आगे आप अपनी लाइफ में जाएंगे, बच्चे होंगे, बच्चों का प्रेशर, हाँ, जॉब करेंगे तो ऑफिस में जॉब का प्रेशर, मनी का प्रेशर, ठीक है। इस अलग अलग प्रेशर को जब हम अपने जीवन पे पूरी तरह हावी हो जाने देते हैं और उसकी वजह से हमारा फिजिकल और मेंटल हेल्थ जब उस पर प्रभाव पड़ने लग जाता है, तब वो स्ट्रेस उसको हम कहते हैं, ठीक है। अब हम इस स्ट्रेस को कैसे अपने जीवन में लेते हैं, कैसे उससे लड़ते हैं, अगर हम अच्छी तरह से लड़ लेते हैं, कोप कर लेते हैं स्ट्रेस की सिचुएशन से, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम कोप नहीं कर पाते तो हम डिप्रेशन का पेशेंट हो जाते हैं, हमारे अंदर एंग्जाइटी हो जाती है, हम डायबिटिक हो सकते हैं स्ट्रेस की वजह से, हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर हाई और लो फ्लक्चुएट कर सकता है, और भी बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लॉन्ग रन में स्ट्रेस आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो स्ट्रेस कभी कभी हमारा फ्रेंड भी होता है। ऐसा नहीं कि स्ट्रेस हमेशा हमारे साथ बुरा करेगा। अगर छोटी छोटी बातों को आप समझिए, आपके कॉलेज का कोई प्रेजेंटेशन है, कॉलेज में हो आप, कॉलेज में टीचर ने कह दिया कि भाई कल तुमको इस बात इस टॉपिक पे कुछ बोलना है, अब बोलने में हमें संकोच है, संकोच होता है तो बस भाई हो गया स्ट्रेस हमको, अब पूरे दिन हम तनाव में रहेंगे कि अरे बाप रे हम कैसे बोलेंगे, हम भूल गए तो क्या होगा, टीचर ने तो कह दिया, अब मैं इस टॉपिक को कितना अच्छे से प्रेजेंट कर पाऊंगी, बच्चे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, टीचर मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इसका स्ट्रेस हो सकता है आपको, होता है या नहीं होता है। या एग्जाम्स आ रहे हैं, मेरी तो तैयारी नहीं हुई भैया, पढ़ाई का स्ट्रेस है, एग्जाम हो गया, रिजल्ट का स्ट्रेस है, हम क्या करें, कैसे करें। अब दूसरी चीज, जैसा मैंने आपको बोला कि ये स्ट्रेस जो है आपको इन सब कंडीशंस में, आपको अगर आप छोटे समय के लिए स्ट्रेस ले रहे हैं और दिमाग पे हावी नहीं होने दे रहे हैं इतना कि वो आपको परेशान करे और आपकी हेल्थ को इफेक्ट करे, तो स्ट्रेस आपका फ्रेंड होता है। वो आपके अंदर एक हार्मोन होता है, भी आगे बताऊंगी मैं, एड्रेनलिन हार्मोन, उसको सिक्रीट करता है जिससे आपकी बॉडी में एक एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है इस स्ट्रेस की सिचुएशन से कोप करने के लिए। और उस कंडीशन में आप ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं, अगर आपकी प्रेजेंटेशन है तो उसको ज़्यादा अच्छी तरह से तरीके से प्रिपेयर करते हैं, रिजल्ट का टेंशन भी आपका कम होता है, तो वहाँ पे स्ट्रेस हमारा फ्रेंड होता है क्योंकि वो आपकी वर्क परफॉर्मेंस को बेटर कर रहा है। लेकिन अगर वो बेटर नहीं कर रहा है, हम उसको नेगेटिवली ले रहे हैं, स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, और उसकी वजह से हमको अलग तरीके के रोग हो गए जिनकी बात मैं अभी कर रही थी, रात में नींद नहीं आ रही है, हाँ खाए जा रहे हैं कि चलो खाने से ही स्ट्रेस कम हो जाएगा, उससे ओबेसिटी हो गई, तो जब ये सारी चीज़ें होती हैं तब हम कहते हैं कि भाई नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है, एंग्जाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया। और उस सब को ख़त्म करने के लिए आजकल के युवाओं की ड्रग्स और वो मदिरा का बड़ा सेवन शुरू हो गया है, लड़कियों में भी, ऐसा नहीं है कि मेन आर ओनली टेकिंग थिंग्स, ये जो ड्रग्स वगैरह भी आप देख रहे हो बॉलीवुड में, बहुत सारे कॉमेडियंस, एक दो कॉमेडियंस, बहुत न्यूज़ अगर देखते होगे तो आपने देखा होगा कि बॉलीवुड की हीरोइंस हीरो सब ड्रग्स में फंस रहे हैं। आप सोचो इन लोगों की लाइफ में तो बहुत पैसा है ना, बहुत सफल हैं ये लोग, अगर अपना वर्क प्रोफाइल आप इनका देखें तो कितने सफल हैं, फिर भी इनको टेंशन हो रहा है, फिर भी ये स्ट्रेस ले रहे हैं, और उस स्ट्रेस को मिटाने के लिए इनकी पर्सनैलिटी इतनी कमज़ोर है कि उस स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए वो ऐसी चीज़ों का सेवन कर रहे हैं जो अल्टीमेटली कुछ उनके लिए ठीक नहीं है। ड्रग्स कभी भी, या शराब का सेवन करते हैं लोग, वो कभी भी आपको कुछ अच्छा तो प्रोवाइड नहीं कर सकती। 5 मिनट के लिए आपके नर्व्स को रिलैक्स कर देगी, आपको अच्छा लगेगा, बट अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू इफेक्ट योर हेल्थ, ठीक है। तो अब ये हमारी बॉडी के ऊपर है, हमारे अपने मेंटल हेल्थ है कि हम इस तरह की सिचुएशंस को लेते कैसे हैं, कैसे इसको हैंडल करते हैं। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं कि मेन और वेमेन किस में स्ट्रेस ज़्यादा होता है, तो ऑब्वियसली ये कई देशों की रिसर्च में प्रूव किया गया है कि लेडीज़ आर एक्सपोज्ड टू स्ट्रेस मोर, वो ज़्यादा
स्ट्रेस लेती हैं उनके चांसेस ज़्यादा हैं कि वो डिप्रेशन में या एंजाइटी की कंडीशंस में जो है आगे चले जाएं एज कंपेयर टू मेन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाई महिला सशक्तिकरण का जमाना है, महिलाएं आजकल हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर काम कर रही हैं। ऑब्वियसली बहुत खुशी होती है क्योंकि आज एरोप्लेन में पायलट भी हैं महिलाएं, हाँ इतनी अच्छी अच्छी डॉक्टर्स हैं, नासा के वो उसमें भी जा रही हैं, बहुत स्पोर्ट्स में नाम कर रही हैं देश का, तो ऑब्वियसली दे आर डूइंग वेरी गुड। लेकिन उसी के साथ साथ स्ट्रेस भी हम इनकार नहीं कर सकते कि आज की जो हमारी लाइफस्टाइल है उसकी वजह से स्ट्रेस भी लेडीज में बढ़ते चले जा रहा है, उनको घर में बैलेंस रखने में भी प्रॉब्लम होती है। इसलिए हम पुरुषों के कंपैरिजन में कह सकते हैं कि महिलाओं में स्ट्रेस ज्यादा पाया जाता है और डिप्रेशन और एंजाइटी की समस्याएं भी लेडीज में ज्यादा होती हैं। यहाँ देखिए इसमें आपको क्लियर पिक्चर से समझ में आ रहा होगा। आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन? स्क्रीन दिख रही होगी ना? यस मैम। यस मैम। और समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम। यस मैम। इन दिस इमेज यू कैन सी हाउ मेन एंड वुमेन हैव देयर वे पोस्ट स्ट्रेस। देखो बेचारी लेडी के पास कितना ढेर सारा स्ट्रेस है एज कम्पेयर टू मेन, है ना? घर का भी प्रेशर लेडीज लेती हैं, बच्चों का भी प्रेशर लेडीज लेती हैं। अब जिंदगी में सफल हो गई, कुछ बन गई, ऑब्वियसली बनना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, तो ऑफिस का प्रेशर भी लेना है, ठीक है? और स्ट्रेस कब हुआ? हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, मेरा मन घर में लगा हुआ है, हम घर में, मेरा मन ऑफिस में लगा हुआ है, है ना? आप पढ़ तो रहे हो अपनी कॉपी किताब खोल के, लेकिन दिमाग में चल रहा है कि कॉलेज में तो ये हो गए, कॉलेज में ऐसे कैसे करेंगे, कल के पेपर में क्या आएगा, तब वहां पे उसको हम स्ट्रेस कह सकते हैं। वो बेसिकली एक कंडीशन होती है आपके माइंड की कि हम कैसे चीजों को अपने ऊपर ले रहे हैं, ठीक है? अब जैसा मैं आपको बता रही थी कि हमारी बॉडी भी रिस्पॉन्ड करती है स्ट्रेस को। कोई ऐसी सिचुएशन हुई, जैसे किसी को कोई सदमा लग गया, या आप रोड पे जा रहे हैं आपके सामने ही कोई एक्सीडेंट हो गया, तो एकदम से आदमी डर जाता है और उस चैलेंज को, चैलेंज अगर बहुत लंबा खींचने वाला कोई सिचुएशन है, आपकी अपनी लाइफ का कोई सिचुएशन ऐसा है जो आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं और लंबे समय तक चले जा रहा है, उससे भी आपको स्ट्रेस हो सकता है। तो इस स्ट्रेस से फाइट करने के लिए हमारी बॉडी एक प्रकार के केमिकल्स को रिलीज करती है, एक हार्मोन को रिलीज करती है जिसको हम एड्रीनलिन कहते हैं। अब ये एड्रीनलिन क्या करता है? ये एड्रीनलिन हमारी बॉडी में बहुत सारी एनर्जी जो है हमको देता है, बहुत सारी एनर्जी बर्स्ट देता है, और ये एनर्जी जो है हमको रिस्पॉन्ड करने के लिए स्ट्रेस को या उससे कोप करने में हेल्प करता है, ठीक है? तो अलोंग विथ गुड बॉडी हेल्थ, योर गुड मेंटल हेल्थ इज आल्सो वेरी वेरी नेसेसरी। आपकी बॉडी फिट है, आप रोज खा रहे हैं, बढ़िया एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उससे आपका मेंटल हेल्थ भी अच्छा होता है। लेकिन आप फिजिकली तो स्ट्रांग हैं, लेकिन मेंटली आप स्ट्रांग नहीं हैं, आप कंफ्यूजन की चैलेंजेस को अच्छी तरह से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तब वो आपकी वीक बॉडी को दर्शाता है, ठीक है? इफ यू नाउ सी द व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस, आपके अगल बगल जो लोग हैं उनमें अगर आप अगर देखोगे कि कैसे पहचानोगे कि उनके में स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस से डील कर रहे हैं या आपके, आप खुद स्ट्रेस से डील कर रहे हो, तो ये कुछ सिम्टम्स मैंने यहाँ पे लिए हैं। हम पहले ही बताया मैंने कि अलग अलग लोगों को स्ट्रेस में अलग अलग तरह से इफेक्ट्स होते हैं। एक आदमी दूसरे आदमी से स्ट्रेस कैसे डील कर रहा है, ये डिफरेंस है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेन टू मेन और वुमेन टू वुमेन, ठीक है? अब क्या हो सकता है, अगर आप स्ट्रेस्ड हैं लेकिन आपको पता ही नहीं है कि हमको स्ट्रेस हो रहा है, तो क्या हो सकता है? आपके हाथ पैर दुखेंगे, पर्टिकुलरली बैक का, एक इतना ज्यादा पीठ में दर्द होगा स्ट्रेस ज्यादा लेने से, आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप, यस यू आर स्ट्रेस्ड आउट, किसी भी चीज का हो सकता है, आप थक सकते हो, आपको थकान लग सकती है, ठीक है? और चूंकि मैं बता रही थी कि स्ट्रेस की वजह से हार्मोनल चेंजेस होते हैं, कभी कभी पॉजिटिव होते हैं, कभी कभी आपकी बॉडी में ऐसे हार्मोन सिक्रेट होते हैं जिससे आपकी स्किन पे पिंपल्स हो सकते हैं, एक्ने हो सकता है, रैशेस पड़ सकते हैं, ये सब स्ट्रेस के सिग्नल हो सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा सिर दर्द हो सकता है, और भी कारण हो सकते हैं, ये नहीं कह रहे कि ये सब है तो इसका मतलब आदमी स्ट्रेस्ड है, लेकिन स्ट्रेस से आपको हेडेक हो सकता है, पर्टिकुलरली वेमेन में हेडेक्स बहुत ज्यादा होते हैं, हेडेक हो सकता है, आपका स्टमक अपसेट हो सकता है, पेट से संबंधी आपको प्रॉब्लम हो सकती है ना, आपका कॉन्स्टिपेशन हो सकता है स्ट्रेस की वजह से, या लूज मोशंस हो सकते हैं स्ट्रेस की वजह से, आप मेमोरी लॉस हो सकता है आपको, आप कर रहे हो चीजें आप भूल सकते हो, आपकी फीलिंग्स पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ रहा है, ठीक है? कभी कभी लग रहा है अरे मेरे में तो एनर्जी ही नहीं है, मैं तो ये काम कर ही नहीं सकती, ये सब
सिग्नल है कि यू आर इन स्ट्रेस, यू आर डीलिंग विद स्ट्रेस. या किसी किसी में होता है कि स्ट्रेस हो गया तो उसको खा खा के अपना स्ट्रेस कम कर रहे हैं, भाई हम खा लेंगे अच्छा तो हमारा स्ट्रेस कम हो जाएगा. स्ट्रेस, ठीक है, वो छोटी बात पे गुस्सा आना, रात में नींद ना आना, या बहुत ज्यादा सोना, इवन दोनों ऑपोजिट है, किसी में किसी को नींद नहीं आती, कोई बहुत ज्यादा सोता है, ये भी स्ट्रेस की निशानी है. और इससे डील करने के लिए अगर आप मेंटली वीक हैं, अंदर से कमजोर हैं, तो आप डॉक्टर के पास ना जाके, दूसरी चीजों को ना अपना के आप ड्रग्स का सेवन करने लग जाते हैं, जरूरत से ज्यादा अल्कोहल या मदिरा कंज्यूम करने लग जाते हैं. ये सारी चीजें जो हैं ये शो करती हैं कि यस यू आर एक्सपोज टू स्ट्रेस, और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में स्ट्रेस है, आपको उससे डील करना है, यू नीड हेल्प. अगर आपके अगल बगल कोई ऐसा है जिसमें ये सारी चीजें दिख रही हों तो टॉक टू देम. अगर इसको हम सम अप करें, जो अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा, तो डिप्रेशन या एंग्जाइटी हो सकती है. एंग्जाइटी किसको कहते हैं, एक तरह की बेचैनी, आपको हर समय बेचैनी रहती है, हम ये काम कर रहे हैं लेकिन मन मेरा बेचैन है, म्यूजिक सुन रहे हैं लेकिन मेरा म्यूजिक मन में मन नहीं लग रहा, ठीक है, रेस्टलेसनेस है हमारे अंदर, एक बेचैनी है, और छोटी छोटी बात पर उनको इरिटेशन हो रहा है, चिड़चिड़ाहट आ रही है कि अरे ये क्या हो गया. जिन चीजों से हम पहले नॉर्मल रहते थे वो चीजें अब हमको ठीक नहीं लग रही है, इसका मतलब यस वी आर स्ट्रेस्ड, हमारे अंदर स्ट्रेस हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, ठीक है, या दिमाग में सोते समय भी लगातार हमारा दिमाग दौड़ रहा है, होता है कि नहीं, किसी के साथ ऐसा हुआ है, कोई शेयर करना चाहेगा. रात में हम सो रहे हैं लेकिन मेरे दिमाग में इतना चल रहा है कि मुझे 12 बज गया, 1 बज गया, 2 बज गया, मुझे नींद ही नहीं आ रही है, होता है या नहीं आपके साथ, एनीबॉडी? यस मैम, होता है ना. तो इन सब चीजों से हमको डील करना होगा क्योंकि ये स्ट्रेस है, और हम कमजोर नहीं पड़ सकते, हम ड्रग्स या बेकार की चीजों का सेवन करके अपने मम्मी पापा को कष्ट नहीं दे सकते, है ना. तो इन सारी चीजों से हमको डील करना है. हमारी मेमोरी हमारा कम हो सकता है, पढ़ाई कर रहे हैं कंसंट्रेशन का लॉस होता है, ऑल आर साइंस ऑफ स्ट्रेस. और इन सब का प्रभाव क्या होता है, हमको कोई डिसीजन लेना होता है तो हम ठीक से डिसीजन नहीं ले पाते, डिसीजन ही गलत हो जाता है हमारा, हमारा वर्क परफॉर्मेंस बेटर होने की बजाय कम हो जाता है, ठीक है. तो ये हमारे ऊपर है कि हम स्ट्रेस को कैसे लेते हैं और क्या लेते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया. ये थोड़ी सी फिजिकल कंडीशंस हैं, क्या क्या रोग हो सकता है आपको स्ट्रेस से, हेयर लॉस, बालों का बहुत ज्यादा झड़ना, बहुत हेडेक होना, ठीक है, बड़े हैं आप, थोड़े एज पे हैं तो हार्ट की डिजीजेस हो जाना, आपका पुअर गट हेल्थ, मतलब स्टमक की रिलेटेड प्रॉब्लम, गट रिलेटेड प्रॉब्लम, उसको मैंने पहले ही बता दिया. यू कैन गेन वेट, इवन यू कैन लूज वेट, यू कैन डेवलप अस्थमा, आपको डायबिटीज हो सकता है, आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम डेवलप हो सकता है, ये सारी चीजें स्ट्रेस से होती हैं. ये देखिए यहाँ पे हाउ विमेन आर डीलिंग विद स्ट्रेस, देयर आर सो मेनी थिंग्स, इतनी सारी चीजें में बेचारी लेडीज परेशान हो जाती हैं, घर का काम देखना है, बच्चों को भी देखना है, हस्बैंड वाइफ हैं तो आपस में रिलेशनशिप भी देखना है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो वो रिलेशनशिप भी देखना है, ठीक है, घर को ठीक भी करना है, इतनी सारी चीजें होती हैं. देयरफॉर हम अभी पहले बात कर रहे थे कि जो लेडीज होती हैं दे आर मोर स्ट्रेस्ड एज कम्पेयर टू. अब अगर हम कॉजेज देखें स्ट्रेस के, क्या क्या कॉजेज होते हैं, तो अगर कोई लेडी गरीबी रेखा के नीचे है, गरीब है, जैसे हमारे घर में मेड्स आती हैं, या और भी लोगों को अगर आप देखें जिनके पास पैसे की प्रॉब्लम है, तो उनके लाइफ में छोटी छोटी चीजों का ऑब्वियसली स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि फिनेंस, फाइनेंशियल कंडीशन, पैसा खुद ही अपने आप में इतना बड़ा स्ट्रेस है कि किसी लेडी को जो है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को जो है इल मेंटेन कर सकता है, ठीक है. तो सबसे पहला कारण जो मेरे हिसाब से स्ट्रेस के लिए है वो है पावर्टी, गरीबी, या उसका पैसे की क्राइसिस. सेकंड, आप अपनी लाइफ में, लेडीज आज मर्दों के इतनी सक्सेसफुल हो रही हैं और बहुत सारे बॉक्स में आदमियों से आगे बढ़ जा रही हैं, लेकिन किसी ना किसी जगह पे आपको सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करना होता है, ठीक है. सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन होता है, कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, डिस्क्रिमिनेशन समझते हैं ना, भेदभाव, बिकॉज यू आर अ लेडी, आपको किसी और तरह से डील किया जा रहा है, उसे आप ही के बराबर कोई लड़का या मेन है तरह से डील किया जा रहा है, बात बात में मजाक हुआ, अच्छा ये तो लेडी है इसलिए ऐसा नहीं कर सकती है, ये हो गया. तो ये सारी चीजें डिस्क्रिमिनेशन होती है, और जब आप जॉब में जाते हैं या कॉलेज में भी आपने देखा होगा, तो ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा, ये डिस्क्रिमिनेशन जो है ये आपको बहुत स्ट्रेस देता है.
और इसकी वजह से आज जो एक नया एक सर्वे आया है कि बहुत ज्यादा डिप्रेशन और एंग्जाइटी लोगों को इस वजह से भी होती है। हालांकि फिर भी अब मैं कहूंगी कि जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती जा रही है सोसाइटी में ये चीजें थोड़ी तो कम हो रही है डिस्क्रिमिनेशन, बट यस ऑफकोर्स अभी है, हर जगह है। या कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हो गया, ट्रॉमेटिक इवेंट मतलब कोई एक्सीडेंट हो गया आपके सामने या आपके साथ हो गया, डर जाता है बंदा, आप कहीं जा रहे हैं किसी, कोई चेन खींच के भाग गया, कोई पर्स छीन के भाग गया, उसमें जो एक मेंटल ट्रॉमा या एक सदमा लगता है उसकी वजह से भी आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। और लेडीज में ये थोड़ा और बढ़ जाता है क्योंकि आप जानते हैं कि आपको ज्यादा इमोशनली फिजिकली और सेक्सुअली अब्यूज किया जाता है ज्यादा। आप रोड पे जा रहे हैं, लड़के पीछे पड़ गए, अब आपको इसका भी स्ट्रेस होगा, ऑब्वियसली होगा। कॉलेज पहुंच गए, आपको रोज कोई ग्रुप है लड़कों का जो रोज टारगेट कर रहा है, आपको स्ट्रेस होगा। ठीक है, रेप विक्टिम्स जो होती हैं उनका अलग तरह का स्ट्रेस होता है, अलग तरह का ट्रॉमा होता है, उस लेवल तक हम सोच भी नहीं सकते उनको कैसा लगता होगा। उनके स्ट्रेस भगवान न करे किसी के साथ हो, वो जिस प्रकार का स्ट्रेस डील करती हैं अपनी लाइफ में वो भी एक्सट्रीम होता है। ठीक है, और मेडिकल टर्म्स में अगर किसी लेडी के साथ सेक्सुअल वायलेंस हुआ है या किसी भी तरह का डोमेस्टिक वायलेंस भी हुआ है, घरेलू हिंसा हुई है या कोई सेक्सुअल अब्यूज या रेप हुआ है उसके साथ, तो उसके अंदर ऐसी मेंटल हेल्थ कंडीशन जो डेवलप होती हैं उसको हम पोस्ट ट्रॉमिक डिसऑर्डर कहते हैं मेडिसिन लाइन के टर्म्स में, मेडिकल टर्म्स में। ठीक है, PTSD सिंड्रोम कहते हैं इसको। अब स्ट्रेस का अगर हम सोर्स देखें क्या क्या होता है गुड के लिए, क्या अगर हम स्ट्रेस को अच्छे तरीके से देखें तो ये हमको नेक्स्ट ग्रेड तक पहुंचाने में, प्रमोशन में हेल्प करता है। क्योंकि अगर आप स्ट्रेस को हैंडल कर रहे हैं तो ये आपको कॉम्पिटिटिव बनाता है कि अरे बाप रे मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है लेकिन मैं अपना बेस्ट परफॉर्म करके दिखाऊंगी, है ना, तो वहां पे दैट स्ट्रेस इज गुड। ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। ठीक है, या आपको अपने जो पसंद के काम में अगर आप थोड़ा बहुत स्ट्रेस ले रहे हो तो वहां भी स्ट्रेस आपको हेल्प करता है, अच्छा अचीव करने में देता है। लेकिन अगर आप बैड कर रहे हो, अगर बैड स्ट्रेस की बात करें तो आप देख सकते हो कि आप अपने भाई बहनों में भी आपस में राइवलरी हो जाती है, फ्रेंड्स के साथ भी प्रेशर फील करते हो, टीचर्स के साथ भी आपका अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, उनके साथ भी आप स्ट्रेस्ड आउट फील करते हो। तो ये एक कंपैरिजन है स्ट्रेस गुड और बैड स्ट्रेस के लिए। अब और साइंस क्या हो सकती है, पीछे हमने बात करी, हो सकता है माइग्रेन हो सकता है, लेडीज में जेंट्स से ज्यादा ये रिपोर्टेड है हेडेक्स और माइग्रेन्स ड्यू टू स्ट्रेस। डिप्रेशन हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, स्टमक अपसेट की बात कर ली मैंने, जरूरत से ज्यादा हम खा रहे हैं, ऑब्वियसली इट विल लीड टू योर फैटी बॉडी, दैट इज ओबेसिटी, यू विल हैव टू स्टार्ट डीलिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ ओबेसिटी। एक और लेडीज में प्रॉब्लम होती है आजकल बहुत कॉमन हो रहा है, स्ट्रेस की वजह से प्रेगनेंसी भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, या आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो मंथली साइकिल है आपकी मेंस्ट्रुएंट की, ब्लड साइकिल जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, उसमें भी प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो ये सारे जो हैं ये कॉजेज हैं आपके उसको। अब बात ये तो होगी कि भाई स्ट्रेस होता कैसे है, इन सब कारणों से होता है, और इन सब कारणों से होने के बाद बाद ये साइंस है इससे हम पहचान गए कि हाँ भाई स्ट्रेस है इसलिए ये सारी कंडीशन हो रही है। ठीक है, अब बात आती है कि हम स्ट्रेस को कैसे डील कर सकते हैं। कुछ आसान आसान सी चीजें मैंने लिखी हुई हैं यहाँ पे कि हम रेमेडीज क्या हैं। भाई हम स्ट्रेस तो हो गया हमें लेकिन हमको स्ट्रेस से बाहर निकलना है तो हम क्या कर सकते हैं। एक तो बहुत ही आसान और मेरे हिसाब से बहुत कमजोर तरीका होता है ड्रग्स लेना, जिसमें ऑब्वियसली मैं नहीं समझती कि वो आपको स्ट्रेस से रिलीज करता है, बल्कि मुझे लगता है आपको और स्ट्रेस्ड कंडीशन में डाल देता है। आजकल बहुत चर्चा हो रही है न्यूज चैनल पे, आप बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस को देख लो, कॉमेडियंस को देख लो, क्या क्या हो रहा है, वो ड्रग्स और मदिरा के डीलिंग से होता है। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगी कि जीवन के किसी भी पॉइंट पे कमजोरी हो तो ये जो यहाँ जितनी चीजें मैं अभी आपको बताऊंगी उनमें से कुछ भी कर लेना, बट डोंट सरेंडर योरसेल्फ टू ड्रग्स। ठीक है, आप जब आपको स्ट्रेस फील हो तो आप इमिडिएटली क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है आपको, लंबी लंबी सांसें लो। इससे क्या होगा, आपकी मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी, और जब आपकी मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी आपका दिमाग जो है वो स्थिर हो जाएगा, आपकी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएगी। ठीक है, इससे भी आपको आराम ना मिले, आप अपनी बॉडी से स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हो, बॉडी को स्ट्रेच करो। बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती हैं जिसमें फुल बॉडी स्ट्रेचिंग होती है, वो स्ट्रेच एक्सरसाइजेस भी आपके टेंशन को हल्का करती हैं, आपके स्ट्रेस को हल्का करती हैं। फिर
एक और बड़ा अच्छा तरीका होता है, डायरी लिखना कहते हैं ना, रोज क्या क्या है उसको लिखो। आप सब कुछ मत लिखो, लेकिन आपको किसी चीज से परेशानी हो रही है तो अपनी परेशानी को लिखने की आदत डालो। जब आप लिखोगे तो, और उस प्रॉब्लम को लिखने के साथ साथ उन अच्छी चीजों को भी लिखना जरूर, जिसके लिए तुम दिन भर में भगवान को थैंक यू कह सकते हो। ऐसा नहीं कि दिन भर में हमारे साथ सब खराबी होता है, कुछ कुछ अच्छी चीजें भी होती हैं। तो जब हम अच्छी चीजें लिखते हैं दूसरों के लिए या गॉड के लिए थैंकफुल होते हैं, भगवान को थैंक्स कहते हैं, तो ये भी हमारे स्ट्रेस को रिलीज करता है। ठीक, और क्या कर सकते हैं हम अपने लिए? और समय निकाल सकते हैं, अपनी पसंद का काम कर सकते हैं। अगर हमें बागवानी का शौक है तो हम बागवानी कर सकते हैं, हमें म्यूजिक का शौक है हम गाना सुन सकते हैं, और हमें नॉवेल्स पढ़ने का शौक है लाइब्रेरी जाइए, कोई बढ़िया सी नॉवेल उठाइए, कोई बढ़िया मैगजीन उठाइए, अपनी पसंद की चीजें पढ़िए। ठीक है, या मूवी देखिए, या बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करिए, दोस्तों से मिलिए, बात करिए। ये सारी चीजें जो है क्या करती हैं, हमको स्ट्रेस को रिलीज करने में मदद करती हैं। इसके अलावा आप मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन सबसे अच्छा तरीका है स्ट्रेस रिलीज करने का, और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। मेडिटेशन से आपकी एंग्जाइटी जो है वो इम्प्रूव होती है, मेनोपॉज साइकिल जिसका मैं अभी जिक्र कर रही थी उसको भी आप आगे, मेनोपॉज साइकिल जब आएगी एक एज के बाद, लेडीज में जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल खत्म होने का पीरियड आता है, उस समय मेडिटेशन बहुत जरूरी होता है। ठीक है, कैंसर ट्रीटमेंट्स के साइड इफेक्ट्स के लिए भी होता है, ब्लड प्रेशर को लोअर कर सकता है मेडिटेशन। सो मेडिटेशन इज सेफ फॉर एवरीवन, और आपको आसानी से मेडिटेशन के तरीके इंटरनेट पे अवेलेबल मिल जाएंगे। अच्छे से सोइए, एडल्ट हैं तो 7 घंटा कम से कम सोइए, 6-7 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। अच्छा, कैफीन, कॉफी बहुत पी रहे हो, चाय बहुत पी रहे हो, किसी से दुख रहा है थोड़ा कॉफी पी लो, थोड़ा चाय पी लो, कुछ हद तक ठीक है, बट बार बार बहुत ज्यादा कैफीन लेना, बहुत ज्यादा टी कंज्यूम करना या बहुत ज्यादा मीठी चीजें खाना, ये सारी चीजें जो है थोड़ी देर के लिए तो आपको एनर्जी देती है लेकिन फिर जल्दी से गायब हो जाती है। इसलिए लॉन्ग रन में गुड डाइट, विटामिन बी रिच फूड खाइए, पर्टिकुलरली जैसे जो लीफी वेजिटेबल्स हैं, आपके सीजनल फ्रूट्स हैं। ठीक है, आजकल तो विटामिन सी पे भी बड़ा ध्यान दिया जा रहा है, कोविड के लिए हम लोगों को ऐसी सिचुएशन में क्या खाना चाहिए वो देखो, और अपनी डाइट को रिच करो। डाइट को रिच करना मतलब कैलोरी रिच नहीं करनी हमको, डाइट को रिच करने का मतलब उसमें न्यूट्रिएंट्स को रिच करना है ना, कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, कितना फैट चाहिए। आप नट्स खा सकते हैं, है ना, वॉलनट जैसे आप खा सकते हो, उसमें बहुत ओमेगा थ्री फैटी एसिड होता है उसमें, वो बहुत गुड कोलेस्ट्रॉल को आपकी बॉडी में बढ़ाता है। तो इस तरह की चीजें आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। आप बादाम खाओ, दैट ऑल्सो रिलैक्सेस योर मसल्स, एंड कीप मूविंग। ठीक है, फिजिकल एक्सरसाइजेस करो, खूब विग्रस एक्सरसाइजेस करो, दौड़ो, जॉग करो, साइकिल चलाओ, जो आपका मर्जी आता है वो करो, लेकिन फिजिकल वर्कआउट करो। फिजिकल वर्कआउट करने से हम लोग की बॉडी में एक ग्रुप ऑफ केमिकल सिक्रीट होता है जिसको हम एंडोर्फिन्स कहते हैं, और जब ये एंडोर्फिन सिक्रीट होता है हमारी बॉडी में तो हमको अंदर से अच्छा फील होना शुरू होता है, फील गुड वाला एक जो होता है ना वो समझ में आता है, और इससे हमारे जो मूड स्विंग्स होते हैं, मूड होता है वो भी रिलैक्स करता है, मूड स्विंग्स कंट्रोल होते हैं। सो फिजिकल एक्सरसाइज, मेडिटेशन, दीज आर अ मस्ट, बट प्लीज डोंट ट्राई टू डील विद स्ट्रेस इन अनहेल्दी वे। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके, डोंट स्मोक, डोंट कंज्यूम ड्रग्स, डोंट, सारे अनहेल्दी तरीके हैं स्ट्रेस से डील करने के लिए। सो कोशिश करो, हम कमजोर नहीं है, इस बात को याद रखो, और स्ट्रांग चीजें करो, कमजोर चीजें नहीं करो। फ्रेंड्स से बात करो, अपने फैमिली मेंबर्स से, अपने मम्मी पापा से जरूर डिस्कशन करो कि नहीं हमको इस बात का स्ट्रेस है। वो आपके बेस्ट फ्रेंड्स वही हैं, आपके पेरेंट्स हैं, वो जरूर कुछ ना कुछ रास्ता आपको दिखाएंगे कि आप इस स्ट्रेस की दुनिया से बाहर निकलो और अच्छी सी हेल्दी सी लाइफ जो है उसको बिताओ। ठीक है, इन सब चीजों से के बावजूद आपको लगता है कि नहीं अभी भी मेरा मेंटली वीक है, स्ट्रेस को हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो गो आउट टू अ डॉक्टर, कोई प्रोफेशनल हेल्प लो, किसी मेंटल काउंसलर की मदद लो, और आजकल बहुत सारे काउंसलिंग अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि आपको जो है उनसे हेल्प नहीं मिलेगी, या आप उनके पास जाओगे तो आपको कोई बीमार कह देगा, नहीं, वो तो बहुत ईजी तरीका है, आप जाइए उनसे बात करिए, वो जरूर आपको कुछ ना कुछ तरीका बताएंगे, जरूर आपको कुछ एडवाइस देंगे जिससे आप स्ट्रेस से डील कर सकते हो। इससे क्या होगा, आप ऑर्गेनाइज्ड हो सकते हो ज्यादा, अपने हर काम में, स्टडीज में ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड रहोगे, आपका स्ट्रेस अच्छे से आप डील कर सकोगे।
और दूसरों की सहायता करना, इससे अच्छा तरीका तो स्ट्रेस रिलीज करने का कुछ हो ही नहीं सकता। आपको बुरा लग रहा है, आपको कमजोरी फील हो रही है, ट्राई टू हेल्प अदर्स, कम्युनिटी को हेल्प करो। कुछ नहीं तो आजकल तो सबसे जरूरी है भाई, कोविड साइंस के बच्चे हो अगर आप लोग या आर्ट्स के भी हो, अवेयर हो, गो एंड हेल्प योर कम्युनिटी। आप सबको अवेयर करो कि भाई कोविड सिचुएशन है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे सफाई रखनी है, कैसे मास्क वेयर करना है। ये छोटी छोटी हेल्प करने से यू विल फील गुड, आपको अंदर से अच्छा लगेगा और स्ट्रेस जो है वो कम हो जाएगा। सो इन सारी बातों को इस स्लाइड में मैंने सम अप कर दिया है कि अगर हमको अपना स्ट्रेस जो है वो रिड्यूस करना है और मूड स्विंग को कंट्रोल करना है और किसी गलत आदत में नहीं पड़ना है तो क्या क्या करना होगा। एक्सरसाइज करना होगा, फ्रेंड्स से और पेरेंट्स से बात करके अपना सपोर्ट सिस्टम बिल्डअप करना होगा, लाइफ के प्रति एक सकारात्मक सोच रखनी होगी। जो भी हमारे दिमाग में नकारात्मक नेगेटिव थॉट्स होंगे उसको हम पुश करके अपनी ओर से खत्म करेंगे और एग्रेसिव होने की बजाय एक पॉजिटिव सोच रखेंगे और तरीके ढूंढेंगे कि कैसे हम अंदर से रिलैक्स हों। अपनी पसंद का काम करेंगे, म्यूजिक सुनेंगे, किताबें पढ़ेंगे, बागवानी करेंगे, जो भी आपकी पसंद का काम हो, निटिंग है, कुकिंग है, कुछ भी करके आप खुद को रिलैक्स कर सकते हो। ठीक है, नए नए इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं, स्किल्स हैं, उनको कर सकते हो। अच्छे से सो, अच्छा खाओ, हेल्दी रहो, स्वस्थ रहो। This was a very brief talk. Yes, बेटा, अब आप पूछ सकते हो। हाँ बेटा बोलो। ये मैम बागवानी क्या है? अरे बागवानी गमले लगाओ, गमले में अच्छे अच्छे प्लांट्स लगाओ। बॉटनी के स्टूडेंट लोग कुछ जी ना, उसको लो और अपना देखो कितना मजा आता है। बोनसाई लगाओ, बहुत सारा बागवानी में अगर आपको इंटरेस्ट है। जिसको इंटरेस्ट नहीं है उसकी बात नहीं है। आजकल तो फिर भी लोग गिलोय और तुलसी ही उगा ले रहे हैं, कुछ नहीं तो, क्योंकि रोज जरूरत पड़ रही है ना, है ना, इम्यूनिटी के लिए। तो इंटरेस्ट है तो उसको जरा करके देखो कितना मजा आता है। करी पत्ता ही लगा लो घर में, गमले में कोई फ्लावर लगा लो सुंदर गार्डन में, अगर पसंद है, अगर आपका इंटरेस्ट है तो करिए, बहुत मजा आता है। मुझे इंटरेस्ट है, मैं करती हूँ। और कोई प्रॉब्लम बेटा, किसी को मेरी बात समझ में ना आई हो या कुछ कहना चाह रहा हो? नहीं, नो मैम। ओके, सो लेट मी एंड द मीटिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग वेरी पेशेंटली टू मी। और मेरे ख्याल से थैंक यू सो मच मैम। अच्छा लगा सुनने में? यस मैम, बहुत अच्छा लगा। यस मैम, बहुत अच्छा लगा। ओके बाय, थैंक यू बेटा। थैंक यू मैम। एक बार अपना वीडियो ऑन कर लो प्लीज बेटा, फोटो ऑन या वीडियो वाला क्यों जी। एक ओके, थैंक यू देन, बाय मैम। थैंक यू मैम।